हेलो स्टूडेंट्स बेटा, लास्ट लेक्चर दे विच असी स्टार्ट किया सी एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कि अगर एक्स तुहाडे कोल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ दैन एक्सपेक्टेशन ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू समीशन यू एक्स इंटू एफ एक्स। समीशन वर्ड कदों समीशन कदों यूज करना व्हेन एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लेकिन अगर एक्स कंटिन्यूज रैंडम वेरिएबल होवे, इफ एक्स इज ए कंटिन्यूज रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेशन ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल यू एक्स एफ एक्स डी एक्स। फिर असी की करना, फिर असी विद रिस्पैक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करनी आ, समीशन नहीं करनी। असी उस दिन प्रॉपर्टीज भी कीतियां सी एक्सपेक्टेशन दियां। सब तो पहला सीगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्सटेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ कॉन्सटेंट, फर्स्ट वन। सेकंड वन, एक्सपेक्टेशन ऑफ सी इंटू यू एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ यू एक्स, इट वॉज द सेकेंड प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी वॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इंटू यू एक्स प्लस बी इंटू वी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ यू एक्स प्लस बी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वी एक्स। सो असी उस दिन क्वेश्चन भी किते सी कि हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दैट इफ एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स एफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू समीशन एक्स क्यूब एफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू दी पावर फोर इज इक्वल टू समीशन एक्स टू दी पावर फोर एफ एक्स एंड सो ऑन, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू दी पावर आर इज इक्वल टू समीशन एक्स टू दी पावर आर एफ एक्स। इता अगर एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इफ एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इफ एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेशन ऑफ दीज फंक्शन आर गिवन बाय, बट इफ एक्स इज कंटिन्यूज रैंडम वेरिएबल देन हाउ टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ सच फंक्शन। नाउ इफ एक्स इज कंटिन्यूज रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज गिवन बाय इंटीग्रल एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। नो एक्स की लिमिट जो भी थोड़े को एक्स अगर ए टू बी है देन ए टू बी, अगर इन माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी है देन वी विल इंटीग्रेट x into fx with respect to x from minus infinity to plus infinity। now expectation of x square ओदे लिए असी की करांगे x square into fx dx from minus infinity to infinity, expectation of x cube is equal to integral x cube fx dx and so on, expectation of x to the power r is equal to integral x to the power r fx dx and so on। So this is the way to find the expectations of such functions। Now कुछ ऐसी question करांगे, इधर examples करांगे, but उस तो पहला ऐसी कई गल जरूर करनी है कि it is not necessary that expectation of some function always exist। ये कोई जरूरी नहीं है किसी function की expectation हमेशा exist करेगी। Expectation means अगर एफ एक्स पी डी एफ आ कंटिन्यूज रैंडम वेरिएबल दी या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दी एंड वी आर टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इफ एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स। नो एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी इट डिपेंड्स अपॉन दिस समीशन।
दिस इज दी सीरीज एंड वी नो दैट कि अगर सीरीज का सम फाइनाइट आएगा देन सीरीज इज कन्वर्जेंट. सो इट मीन्स अगर सीरीज कन्वर्जेंट होगी द सम फाइनाइट आएगा ओनली देन वी कैन से दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगी. कई बार इदा हुंदा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है पर मे बी ये भी हो सकता कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स केयर एग्जिस्ट ना करे मीन्स एक्स केयर इंटू एफ एक्स है ना. यह भी हो सकता भी ए वाली जी सीरीज आ गई थोड़ी ए इनफाइनाइट ए सम एग्जिस्ट ना करे. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर सकती है हो सकता एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स केयर एग्जिस्ट ना करे. ठीक है. सो ए हुन डिपेंड करता भी एक्सपेक्टेशन किसी फंक्शन की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. ए डिपेंड करता भी उसका समीशन समीशन कदों आएगा अगर डिस्क्रीट होएगा. जे कंटीन्यूज एक्स तो इंटीग्रल आएगा मीनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स केयर अगर एक्स थोड़े को कंटीन्यूज रेंडम वेरिएबल आ दैन एक्स केयर इंटू एफ एक्स डी एक्स हूँ अगर इंटीग्रल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तुसी एनालिसिस करते हो एनालिसिस दे विच प्रॉपर इंटीग्रल इमप्रॉपर इंटीग्रल करते हो. अगर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता कन्वर्ज नहीं कर रहा दैन हाउ कैन वी से दैट कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स केयर एग्जिस्ट. ओके अगर इंटीग्रल इनफाइनाइट द आंसर इनफाइनाइट आ रहा है मीनस ये इंटीग्रल डायवर्जेंट आ दैन क्लीयरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स केयर भी डायवर्ज करेगी. सो कुछ क्वेश्चन करते हैं आप. फॉर एग्जाम्पल लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ पीडीएफ गिवन आ -369 1/6 1/2 1/3 दिस इज द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स. क्लियरली एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड वी आर टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+1 होल स्क्वायर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू वी विल एवेल्युएट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. नाउ देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स एफ एक्स एंड वैल्यूज ऑफ एक्स आर -3, 6 एंड 9. सो वी कैन राइट इट एज -3, 6, 9. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट -3 इंटू एफ ऑफ -3 +6 इंटू एफ ऑफ 6 +9 इंटू एफ ऑफ 9. ओके नाउ वैल्यू तुसी सब्स्टिट्यूट कर देनी है -3 एफ ऑफ -3 इज 1/6 +6 इंटू एफ ऑफ 6 इज 1/2 +9 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 11/2. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 11/2. सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समीशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स. सो एदे विच भी असी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल गेट 93/2. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 93/2. नाउ वी आर टू इवैल्यूएट एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+1. नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+1 होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज 2x+1 होल स्क्वायर 4x² + 4x+1. नाउ वी विल यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन फंक्शन. जिदा सी लीनियर लैपलेस ट्रांसफॉर्म दे विच प्रॉपर्टी यूज करते सी नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन दे विच प्रॉपर्टीज यूज करते सी फंक्शन दिया लैपलेस ट्रांसफॉर्म दिया. सो दिस इज इक्वल टू 4 × x² + 4 × x² + x² + 1 विच इज क्लियरली सेम 1. नाउ 4 × x² वी ऑलरेडी फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 93/2.
प्लस फोर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 11/2, एक्सपेक्टेशन ऑफ वन इज वन, सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 8209. सो देयर फोर एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 209. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फंक्शन. ऐसी एग्जाम्पल कंसिडर की थी वेन एक्स इज डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल. नाउ वी आई एम कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल वेन एक्स इज कंटिन्यूज रेंडम वेरिएबल. नाउ लेट एफ एक्स, लेट रेंडम वेरिएबल एक्स एज द पीडीएफ. पीडीएफ इज गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स. एक्स वेरी फ्रॉम 0 टू 1, 0 अदरवाइज. नाउ हेयर क्लियरली एक्स इज कंटिन्यूज रेंडम वेरिएबल. एक्स इज कंटिन्यूज रेंडम वेरिएबल एंड वी आर टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x प्लस 3x स्क्वायर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इंटीग्रल बिकॉज एक्स इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. नाउ व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट एक्स इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स. एक्स की लिमिट्स की ने 0 टू 1. अगर माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी होंगी दैन फिर असं इंटीग्रेट कर दे माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी. नाउ 0 टू 1 अगर इंटीग्रेट किया 0 टू 1, नाउ 0 टू 1 एक्स एफ एक्स की वैल्यू कि 2 इंटू 1 माइनस एक्स, 2 इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स. सो 2 0 टू 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. सो मल्टीप्लाई कर देंगे तुहाडे कोल आ गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. नाउ दिस इज 2, इंटीग्रेशन कितनी 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 1. सो आफ्टर दैट वी विल गेट, कंप्लीट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा सिंपलीफाई करने तो बाद. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 1/3. नाउ वी विल फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. 0 टू 1 एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स. सो 0 टू 1 एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज 2 इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स. नाउ 2 0 टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स. एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब. नाउ 2 इंटीग्रेशन कितनी एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 फ्रॉम 0 टू 1. नाउ अपर लिमिट माइनस रो लिमिट किता 2 इंटू 1/3 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू, आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1/6. सो इफ एक्स इज कंटिन्यूज रैंडम वेरिएबल, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x प्लस 3x स्क्वायर. नाउ अगेन वी विल यूज द प्रॉपर्टीज 6 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ 6 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 1/3 प्लस 3 इंटू 1/6, सो विच इज 5/2. सो स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2. नाउ बेटा हम एक मैं होर एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एग्जिस्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एग्जिस्ट देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आल्सो एग्जिस्ट कमेंट.
ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। Now I am considering fx is equal to 2 over x cube, x is greater than equal to 1, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ PDF ਹੈ ਵੀ ਆ। ਸੋ PDF ਦੀ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ fx greater than equal to 0 for all x। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ 1 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਇਸੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਦੈਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਫ ਐਕਸ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ PDF ਦੀ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਫੋਰ ਆਲ ਐਕਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 2 ਓਵਰ ਐਕਸ ਕਿਊ ਡੀ ਐਕਸ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਕਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਡੀ ਐਕਸ। ਸੋ 2 ਐਕਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮਾਈਨਸ 2 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਸੋ 2 ਓਵਰ ਮਾਈਨਸ 2 1 ਓਵਰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 0, ਮਾਈਨਸ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਲ 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਇਟ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਦੀ PDF ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ PDF ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਟਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਐਫ ਐਕਸ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ PDF। ਨਾਓ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਐਫ ਐਕਸ PDF ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਔਨ ਦੀ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਾਓ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ is integral 1 to infinity x into fx dx, so 1 to infinity x into fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ? 2 ਓਵਰ ਐਕਸ ਕਿਊ dx। ਨਾ 2 1 to infinity x to the power ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ 1 ਓਵਰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ x to the power ਮਾਈਨਸ 2। ਨਾ 2 x to the ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਓਵਰ ਮਾਈਨਸ 1 1 to infinity, ਨਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 0 ਮਾਈਨਸ 1, ਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ 2। ਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਈ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ। ਨਾਓ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਐਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ ਵਿਚ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਸੋ 2 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 2 ਓਵਰ ਐਕਸ ਕਿਊ ਡੀ ਐਕਸ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ 2 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 1 ਓਵਰ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਓਵਰ ਐਕਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਲੋਗ ਐਕਸ 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਨਾਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੀਏ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਦੈਨ ਲੋਗ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲੋਗ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਲੋਗ 1, ਕਲੀਅਰਲੀ ਲੋਗ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਇਜ਼ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ, ਦਿਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਇਜ਼ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ, ਸੋ ਹੈਂਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ, ਸੋਰੀ ਨੋਟ ਦਿਸ ਇੰਟੀਗਰਲ, ਸੋਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦਿਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਇਜ਼ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਡਸ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਹੈਂਸ expectation of x square does not exist, so we can say that k
कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर दिया देन इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स केयर भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है बेटा, सो तुसी इहदे रिलेटेड क्वेश्चन करियो, अगर कोई डाउट होए देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू बेटा।